दोस्ती की आड़ में ब्लैकमेलिंग, फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज बनाया अश्लील वीडियो, फिर रुपए मांगे, 2000 रुपए देने के बाद भी वीडियो कर दिया वायरल। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप MP7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए रतलाम जिले की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की जा रही है, एक ऐसा ही मामला सामने आया है। इसमें शातिर बदमाश ने एक युवक को फेसबुक आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद वीडियो कॉल कर अश्लील वीडियो बना ली। वीडियो को डिलीट करने के एवज में 5000 रुपए की मांग की। रकम देने से मना करने पर परिचित को अश्लील वीडियो भेजने की धमकी दी। बदनामी के डर से युवक ने 2000 रुपए भेज दिए, उसके बाद वीडियो साथियों को भेज दिया। वहीं एक यूट्यूब चैनल वाले ने वीडियो डिलीट करने के नाम पर 4000 रुपए की मांग की। मिली जानकारी के अनुसार दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र निवासी एक युवक मंगलवार को SP गौरव तिवारी के पास पहुंचा, जहां उसने दी शिकायत में बताया कि 19 दिसंबर को उसकी फेसबुक आईडी पर प्रिया कुमारी नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने हेलो हाय के मैसेज किए। मैसेज के जवाब देने के बाद युवती ने युवक से उसके व्हाट्सएप नंबर मांगे। सहजता से युवक ने व्हाट्सएप नंबर दे दिए। इसके बाद युवती ने व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल के बाद युवक के व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो भेजा और उक्त वीडियो किसी को नहीं भेजने के एवज में 5000 रुपए की मांग की। युवती के बताए मोबाइल नंबर पर युवक ने फोन पे के माध्यम से 2000 रुपए भेजे। उसके बाद युवती ने युवक के साथियों को वह अश्लील वीडियो भेज दिया। दी शिकायत में युवक ने बताया कि जिस नंबर से वीडियो कॉल आया और जिस नंबर पर रुपए ट्रांसफर किए वह अलग अलग नंबर है। जिस नंबर के माध्यम से रुपए ट्रांसफर किए वह नंबर किसी मोहम्मद शादिक कुरैशी के नाम से शो हो रहा है। शिकायत में युवक ने बताया रुपए भेजने के बाद भी उक्त वीडियो उसके साथियों को सोशल मीडिया के माध्यम से भेज दिया। मंगलवार को एक यूट्यूब चैनल से फोन आया कि 4000 रुपए देने पर ही अश्लील वीडियो डिलीट किया जाएगा। SP गौरव तिवारी ने उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित को संबंधित थाने पर भेजा और थाना प्रभारी को कार्यवाही के निर्देश दिए। थाना प्रभारी दीनदयाल नगर शिव मंगल सिंह सेगर ने कहा कि शिकायत मिली है कि शिकायत को लेकर जांच की जा रही है, इसमें साइबर सेल की मदद ली जा रही है। संबंधित आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनको पकड़कर कार्यवाही की जाएगी। रतलाम जिले की सभी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज की जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mp7news.in पर। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।